हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राज। आज मनीषा को ड्यूटी मिला है खाना बनाने का, डिनर। मैं बोला कुछ स्पेशल बनाओ, कुछ ये बोल रहे हैं हमको कुछ स्पेशल बनाओ। हम बोले ठीक है, कुछ कुछ ऐसा बनाओ जिसमें थोड़ा बढ़िया सा टाइम लगे, आराम से बनाती रहो। तो ये लेके आई एकदम शॉर्टकट वाला सब्जी जो 5 मिनट में बन जाए। 5 मिनट में कोई कद्दू बना के खिलाने के लिए। दिन में ग्रेवी वाला इतना मस्त सब्जी बना था तो नहीं खाए थे। क्या बना था? सब्जी बनाए मशरूम, मटर और क्या बोलते हैं ये, पनीर, शिमला मिर्च का पनीर, मशरूम सब मिला के बनाई थी। झूठ मम्मी बनाई थी, हम नहीं बनाते, रेसिपी मम्मी बनाई थी। अच्छा, रेसिपी वाला ब्लॉग बनाना था, इसलिए एक रेसिपी का चैनल ना हर घर में होना चाहिए। उसी बहाने कुछ कुछ अच्छा डेली बनते रहेगा, लेकिन हमको मिला ही नहीं वो। हम तो खाए ही हैं, 2:30 बजे ब्रश किए थे, उसके बाद फिर 3 बजे तक खाना खाए, 4-5 बजे से फिर सो ही रहे हैं। 3 बजे 6:30 बजे उठे हैं। सो के उठे हैं? हाँ, हमको लगा आप सोए नहीं हैं। हमको पता, तुमको पता ही नहीं तुम पैर के पास कब सो गई है। हम आपको दिखे भी नहीं हैं। नहीं, हमको सोए हैं वो पता ही नहीं चला है। ये नहीं सोचे ये है कहाँ, हमें तो कहा ही नहीं। अरे हम सो रहे थे, फिर हम ऐसे पैर किए तो हमको कोई है क्या, तो इधर से ऐसे देखे तो तुम ऐसे ही कितना बार सो रहे थे तो उठ रहे थे, तब आप जागे थे। जगह नहीं थे, हम सो ही थे। नहीं यार, जब आप जागे थे तो हम कितना बार उठ के यहाँ बैठ जा रहे थे, फिर तब जाके सोए थे। पता नहीं, हम तो देखे ही नहीं है। फिर हम देखे, अच्छा था मलारी बापरी तो सो रही है। तो चलो गाइस, आज का व्लॉग, अभी नेक्स्ट वाला व्लॉग बहुत मस्त होने वाला है, अमेजिंग होने वाला है। नेक्स्ट वाले व्लॉग में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। आपको मच्छर काट दिए हैं दांत से, यहाँ पे मच्छर दांत से मच्छर काटा है कि पता नहीं क्या हुआ, मच्छर ही काटा है, नहीं तो पानी नहीं पीते हैं इसकी वजह से। तो अभी जा रही है ये खाना पीना बनाने, उसके बाद से फिर मेरे को निकलना भी है। अभी काजल मिथुन भी आने वाला था, बोला था कि भैया आ रहे हैं मिठाई लेके, हम बोले ठीक है आओ, लेकिन उसका मिठाई पता नहीं कब तक मिलेगा। काजल मिथुन ने मिठाई क्यों नहीं खिलाया आखिरकार? अभी आने वाले हैं वो लोग, आने वाला था पर नहीं आया, पर नहीं आए तो 8 बज गया है, देखते हैं। चलो गाइस, बाकी आप लोग बने रहो, आगे का ब्लॉग मनीषा कंटिन्यू करेंगे। नहीं, हम तो खाने बनाने जा रहे हैं, तो आप कैसे कंटिन्यू करेंगे? छोटू बर्तन लगा के, छोटू को बोल देना तुम्हारा खाना वाला सूट कर देगा। नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है बनाए। तो गाइस, अभी स्कूल वगैरह का काम है, कल तो छुट्टी है शबे बारात की, परसों से स्कूल पे थोड़ा सा अच्छा खासा बारात, शबे बारात बोलते हैं उसको। कल इतना मस्त मस्त बनता है ना खाना, चने की दाल का बर्फी बनता है, बहुत टेस्टी टेस्टी बनता है खाना। खाना बोलो अपने दोस्त खुशबू को पहुंचा दे, बनेगा तो पहुँचा ही देगी। आज तक नहीं पहुँचाई तो आप क्या पहुँचाएंगे। हाँ, उस दिन IFC का आया था, IFC का तो पहुँचा ही ना। जैसे हम बैठे हैं वैसे ही हमारी छुट्टी की बैठती है। चलो गाइस, तो आप लोग बने रहो और खूब सारा व्लॉग को एंजॉय करना। बाकी अभी चलो मम्मी के पास जाती है ये लेके फोन। ठीक है गाइस, तो अभी चलते हैं मम्मी के पास। वो हमसे बोल रहे थे, जा मम्मी से पूछ क्या कि बहन बैठ क्या ली मम्मी। हाँ, बांट दिया। इतना रिक्वेस्ट किया है, उसके बावजूद भी मेरे दोनों बेटा वो नहीं लेके गया, और मेरा शिवपुर सगरा में खाना बन के रेडी है, वहाँ इंतजार हो रहा है। अच्छा, भाभी कब आएंगी, कब आएंगी, लोग फोन कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या तक बना पता नहीं। मम्मी खाना कुछ भी बनाई होंगी लो, दयादिन लोग, मेरी देवर फोन किए थे और दयादिन लोग फोन कर रही है कि कब आप आ रही हैं। तो ये है प्यार, और भले हम दूर है लेकिन हम जब भी घर जाते हैं तो मेरे वो लोग भी लगते हैं कि हमारे, चूँकि हम ही शादी किए हैं अपने देवर को और दयादिन लोग को हम ही लाए हैं, इस घर से भी एक दो जन का शादी किया, दो जन का किया इस घर से, किस किस चाचा नारायण चाचा का किए हैं, लक्ष्मण चाचा का, इसी घर से बारात निकाले हैं। अच्छा। और तुम लोग को दो जन का किए हैं, 4 गो शादी इस घर से हुआ है, और पप्पू भैया का हुआ है, दीपू का हुआ है, 6 गो शादी इसी घर से बारात निकला था, पप्पू का भी, सिक्किम वाले भैया ना, और दीपू का भी मेरे ही घर से बारात निकला था। तो यहाँ पे शादी होने के बाद तो वहाँ गए हैं,
दीदी आ गई थी यहाँ सिक्किम से, वहीं की है। नहीं सिक्किम से आ गई थी हम ही, पप्पू के वाइफ को पसंद किए थे। हाँ, वो बहुत सुंदर है, उसको हम पसंद किए हैं और बलेथा की है और दीपू के पत्नी सिवान की है। तो मेरे घर से बारात निकला था और दो आदमी को उन लोगों को हुआ, दो गो देवर लोगों को किए, दो गो बेटा बेटी को किए, इस घर से 6 गो शादी किए हैं। ये घर बहुत मेरे लिए लकी है और अच्छा। इस घर को बना के हम बहुत खुश हैं कि इस घर में इन लोग का बचपन बीता है। एक एक मिनट इन लोग इसमें खेले हैं। प्रिंस माऊ बन के चल रहे थे तब ये जमीन का हमने दिलवाए थे। काजल मिथुन आए हैं, काजल दीदी आई हैं, बुलाओ, कहाँ है, चलो। तो आ गए अभी काजल मिथुन फाइनली मिठाई लेके, तो मम्मी देख सकते हैं हो गई खुश, नाम सुनते सुनते लोग कह रहे हैं कि अभी बोल देना सरप्राइज है, उन लोगों को देख के छुपा के रखना, एक बार रूम में धप्पा किया जाए। मम्मी मम्मी यही होती है, हम बहुत भाई खुशी होता है कोई मेरे घर आता है तो आए खाए पिए। आज तो मम्मी आपको बहुत लोग बुला है, वाह, ऐसे कुछ ये चीज को तुमको समझना पड़ेगा, हम अपने घर का औहदा तुमको दे रहे हैं और इस लायक तुम बनो है कि नहीं, तुमको बनना पड़ेगा। रंजना छोटी है, पता है क्या, आप जो साड़ी वाला ब्लॉग डाले हैं ना, तो उसमें एक कोई कमेंट किया हमको कोई और साड़ी पसंद था ना, तो बोल रहा था लोग कौन सी साड़ी है तुमको, नहीं लेकिन हमको ये नहीं पता है कौन सी साड़ी पसंद था। आ रही है गाइस हमको, नहीं भाई सिल्क का साड़ी मेरा कल का पहनी है, वो भी रखी है और ये साड़ी तो अब हम भाई सब दे देंगे तो हम क्या पहनेंगे। नहीं नहीं हमको एक कमेंट किया था, हम सोच रहे हैं वो कौन सा साड़ी, हम बोले हमको याद ही नहीं है, तो इसलिए मम्मी से पूछे कि मम्मी बैंगनी वाला साड़ी बोली नहीं तो हमको दे दीजिएगा। अच्छा वो वाला। हाँ। तो सिल्क वाला आपको तब दे देंगे जब बैंगनी वाला दीजिएगा। तुम बोली कि हमको दे दीजिएगा तब बैंगनी वाला है उसमें का, तो बोले ठीक है दे देंगे, अलमारी में रखे हैं। मेरा वाला जो साड़ी था हमको बहुत अच्छा लगा, उसको 3-4 बार ऐसे खोल के देखे। कौन सा? जो दी है आज हमको, उसको 3-4 अच्छा लगा, मेरा सुहाग है उसमें, उसको न काटना न उसको खराब करना, तुम अपने जान से बेसी उसको संभाल कर रखना, वो सबको हम नहीं देते। आप लोग तो बने रहिएगा, वो साड़ी को बहुत टाइम, वो साड़ी शादी के सालगिरह पर पहनना, देखना मस्त लगेगा। ठीक है ठीक है, उसका मैच पर उसका वो सिलवाना पड़ेगा। हाँ। और अथी कर दो, अभी है टाइम, 2 तारीख को है टाइम, नहीं है तो उसको थोड़ा सा डाइवर्स और करा देती ना, अच्छा से पहले कर रखे हैं धोआ के, फिर भी अच्छा है। आगे बोलो उसी को पहनना, देखना कितना अच्छा लुक आएगा। बुलाओ धीरे से, बुला बुला इधर आने के। रंजना कैसे पहनी थी इससे, उसी तरह पहन लो। काजल मिथुन आके नीचे हैं, वो सबके साथ लग रहा है प्रैंक कर रहे हैं, चलते हैं अभी देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी रंजना चाय नमकीन ये नाश्ता निकाल रही है, नमकीन बहुत टेस्टी है और ये लहसुन वाला है, तो ये वाला इलाहाबाद में मिलता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। और मुंबई ना, हाँ मुंबई से भी आया था उसके बाद, यहाँ भी सकते हैं अभी लौकी का सब्जी आज बनने वाला है और काजल मिथुन आए तो पूछ लिए कि खा लेंगे, वो लोग तो बोले कि हाँ हम खा लेंगे। तो लौकी का सब्जी बनेगा और पहले लौकी को जल्दी से काट लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। ही गाइस तो अभी यहाँ पे सब्जी काट रहे हैं और जल्दी से बनाना भी है क्योंकि अभी गेस्ट भी आए हैं और टाइम भी अब ज़्यादा हो रहा है, बाकी घंटे नहीं आए थे तो रंजना भी बहुत सारा काम किया, इसका भी अभी तक ठीक नहीं लग रहा है, हम भी सोए हुए थे, मेरे को भी बहुत अजीब सा लग रहा था इसीलिए। बाकी मिस्टर राज भी आज, उनका भी तबीयत सही नहीं लग रहा है सबका, आए बापरे हाथ फिट गया क्या, सबका तबीयत एक एक करके फट गया मेरा हाथ, सबका तबीयत एक एक कर करके ख़राब होते जा रहा है। तो बस बने रही आप लोग, ब्लड आने लगा यार। तभी जैसे ही सब्जी बन जाता है, कट जाता है, उसके बाद इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आटा सानो और उसके बाद रोटी बन जाएगा। तो बने रही आप लोग,
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, लव यू ऑल।